स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.16 फ्रॉम पेज नंबर 33 ऑफ द सॉलिड स्टेट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni0.98O1.00। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव आयन। एक एनालिसिस किया गया, राइट, उसमें बताया गया कि जो निकल ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, Ni0.98O1.00। अगर मैं ये अज्यूम करके चलूं कि मेरे पास जो इनकी रेशो आ रही है, सपोज यहाँ पे निकल ऑक्साइड जो है, निकल रेशो ऑक्साइड जो है वो 0.98 रेशो 1.00 आ रही है, राइट। तो अगर मैं इनके देखूं तो रेशो का मतलब क्या है कि हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 0.98 डिवाइडेड बाय 1.00। आपने क्या किया, इनका जो पॉइंट थे वो कैंसिल कर दिए। सो अगर मैं यहाँ पे 1 अज्यूम कर रही हूँ, राइट, तो ये ऑब्वियसली 98, यहाँ पे ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 98 रेशो 100 आ गया। दैट मीन्स कि मेरे पास जो निकल के आयन्स हैं वो 98 प्रेजेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्साइड आयन्स जो कि 100 प्रेजेंट हैं, ओके। अब इसमें बोल रहे हैं कि अगेन आपके पास जो निकल है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो निकल की बात कर रहे हैं हम, ये अगेन हमारे पास Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने ये बताना है कि इसमें जो Ni2 पॉजिटिव है इसकी क्या फ्रैक्शन है, दैट मीन्स कि ये कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, और जो Ni3 पॉजिटिव है इसकी क्या परसेंटेज प्रेजेंट है, ओके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल आयन्स आ रहे हैं वो 98 है निकल के, राइट, और उसमें से जो Ni2 पॉजिटिव है वो X है। सो व्हाट यू कैन से, लेट Ni2 पॉजिटिव ions b x, मतलब मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब टोटल अगर मेरे पास 98 आयन्स प्रेजेंट है और उनमें से जो Ni2 पॉजिटिव है वो x हैं, तो ऑब्वियसली Ni3 पॉजिटिव क्या आ जाएंगे, 98 माइनस x। सो यू कैन राइट Ni3 पॉजिटिव आयन्स b 98 माइनस x। अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो निकल ऑक्साइड है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। दैट मींस कि जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ओके। सो हम इसका ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 अज्यूम करेंगे। सो यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव जो है वो कितने प्रेजेंट है, X प्रेजेंट है, मतलब कि निकल के वो आयन्स जिन पे +2 चार्ज है वो X है, राइट, प्लस निकल के वो आयन्स जिसपे +3 चार्ज है वो हमारे पास कितने हैं, 98 माइनस x, ओके, प्लस अब ऑक्साइड पे क्या चार्ज आता है, -2 चार्ज आता है, राइट। सो ऑक्साइड के कितने आयन्स प्रेजेंट है, वी आर हैविंग 100 आयन्स और उस पे चार्ज -2 है। ओवरऑल चार्ज इनका क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लोगे 2x, राइट, प्लस नाउ 3 into 98, that will be 294 आ गया, 3 into x, that will be 3x आ गया, प्लस अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो इट इज -2 into 100, that will be -200 equal to 0। सो 2x, अब x वाली वैल्यूज जो है वो एक साथ रख लो, सो -3 हो गया प्लस 294 माइनस 200, ओवरऑल चार्ज 0 आ गया। जब आपने 3x में से 2x माइनस किया, अब माइनस वाली टर्म बढ़ी है तो इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा, राइट, सो -x आ गया। 294 में से जब आपने 200 माइनस किया तो यू गेट 94, राइट, सो इक्वल टू 0 आ गया। जब ये 94 आप दूसरी साइड लेके जाओगे सो इट विल बी -94 आ गया। सो ये आपने कैंसिल कर दिया, सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 94। हमने क्या अज्यूम किया था कि हमारे पास जो निकल 2 पॉजिटिव आयन्स है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने ये अज्यूम किया है कि निकल 2 पॉजिटिव आयन हमारे पास x आ रही है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 94, दैट मीन्स निकल 2 पॉजिटिव कितने आ गए, 94 4 आ गए ओके। और जो निकल 3 पॉजिटिव आयंस है वो हम 98 माइनस एक्स अज्यूम कर रहे थे, मतलब कि हमारे पास अगर 98 आयंस ऑफ निकल प्रेजेंट है तो उनमें से 94 अगर निकल 2 पॉजिटिव है तो निकल 3 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे 98 माइनस 94 इक्वल टू 4 आयंस आ गए राइट। तो अब हम इनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन राइट परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव इक्वल टू, अब हमारे पास जो निकल 2 पॉजिटिव के आयन है ओवर टोटल नंबर ऑफ आयंस जो निकल के प्रेजेंट है ठीक है 94 डिवाइडेड बाय 98 आ गया इनटू 100। तो जब आपने 94 डिवाइडेड बाय 98 किया तो इसका जो आंसर है दैट इज 95.9%। सो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 96% राइट। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ Ni3 पॉजिटिव देखें तो इट इज ऑब्वियसली, अब अगर मैं 100% एज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरे पास जो कंपाउंड है वो 100% है, उसमें से 96% Ni2 पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली Ni3 पॉजिटिव कितने रह जाएंगे 100 माइनस 96% राइट। सो 100 माइनस 96 दैट विल बी 4% ओनली।